सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज सुबह सुबह पता नहीं सडनली मेरा प्लान बन जाता है मुझे आज घर से सूरत निकलने के लिए। मैं फटाफट टेम्पू पर बैठ के और आगे निकलता हूँ, जहाँ पे मैं एक भाई साहब से लिफ्ट लेता हूँ बाइक पे, और लिफ्ट लेने के बाद मैं पहुँच जाता हूँ पंचदेवरी। और पंचदेवरी बैठने के बाद ये टाटा और मैं टंटा महिंद्रा की सबसे पुरानी गाड़ी टैक्सी में बैठता हूँ, और वहाँ से बैठ के मैं पहुँच जाता हूँ तमकुहीराज। और तमकुहीराज जाने के बाद वहाँ से मैं गोरखपुर का बस पकड़ लेता हूँ, और गोरखपुर के बस में बैठने के बाद मैं बैठ के वहाँ पे मेरे एक दोस्त भी मिल जाता है, जो कि आगे के वीडियो में मिलेगा। फिर वहाँ पे हम लोग मैं पहुँच जाता हूँ फटाफट गोरखपुर स्टेशन। और गोरखपुर स्टेशन पहुँचने के बाद गाइस हमारी ट्रेन आ चुकी, आके प्लेटफॉर्म पर लगी होती है, और वहाँ पर लगने के कारण हम लोग काफ़ी होपलेस हो जाते हैं। और होपलेस होने के बाद हम लोग पूरा एकदम दौड़ दौड़ लगा के हम लोग स्टेशन तक पहुंचते हैं। और स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते यहाँ पे लग रहा है कि और भी लेट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग रोड पे काफ़ी तेज़ दौड़े, और दौड़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं हाँफ़ गया हूँ। और हाँफने के कारण क्या है दोस्तों, हम लोग को डर था कि कहीं ट्रेन छूट ना जाए, और फिलहाल हम ट्रेन में आके बैठ चुके हैं फाइनली। और आप लोग देख सकते हैं मैं जनरल क्लास, हम निकल चुके हैं गोरखपुर से सूरत के लिए, और आज हम जनरल क्लास में सफ़र कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है ट्रेन, और हमने तय किया है कि यहाँ से और सूरत तक का सफ़र जनरल में ही करेंगे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है चलिए आपको वीडियो में दिखाते हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो हमें लगती है पूरा ठंड में पूरा कंबल उम्बल ओढ़ ओढ़ के मैं बैठ जाता हूँ, और यहाँ पे मैं थोड़ा बाहर आता हूँ और थोड़ा सा जंगले के पास खिड़की के पास थोड़ा सा खड़ा होके बाहर का नज़ारा का मज़ा लेता हूँ। और देख सकते हैं पूछे मेरा कितना भीड़ है। और जनरली गाइज मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने विदाउट टिकट सफ़र किया, ये किसी और का टिकट था ठीक है, और वहाँ पे मैंने बैठ के वहाँ से सफ़र किया। गाइज बात ये था कि मेरा 16 तारीख का ऑलरेडी टिकट हो चुका था, 14 को, और मैं सडनली निकल गया। ये है मेरा सफ़र का दूसरा दिन हमारा, आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया सफ़र है। कहाँ मानी सुनो, गंगा सिटी, गंगापुर सिटी। अभी मैं यहाँ से कल 11 बजे तक शायद मेरी ट्रेन पहुँच जाएगी अपने डेस्टिनेशन की तरफ, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। फाइनली हम पहुँच चुके हैं कोटा जंक्शन, यहाँ पे मतलब नीट आई और IIT JEE के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट आपको मिलेगा यहाँ पे। हमारी ट्रेन यहाँ पे रुकी है, जनरल डिब्बा में सफ़र करने का एक अपने आप में अलग एक प्रकार का मतलब समझिए लड़ाई है, काफ़ी कठिन से आप जनरल में सफ़र करते हैं। तो गाइस कोटा जंक्शन पे आपको बढ़िया बढ़िया खाने को मिलेगा, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टेशन है जो कि सबसे 10 मिनट यहाँ पे 10 मिनट रुकती है, यहाँ पे रुक के आप अच्छे से खा सकते हैं ठीक है, अगर आप ज़्यादा बड़ा सफ़र कर रहे हैं तो।
फाइनली हम लोग अंकलेश्वर अंकलेश्वर पहुंचने वाले हैं। अंकलेश्वर पहुंच के ये भाई साहब उतरने के लिए इंतजार कर रहे हैं, उतर जाइएगा सोच रहे हैं क्योंकि ट्रेन काफ़ी लेट हो चुकी है, बट हम लोग उतरेंगे नहीं इसी में और वहाँ से उतरने लास्ट। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं सूरत, ये है सूरत जंक्शन और जीजा आ रहे हैं मुझे लेने के लिए, शायद रास्ते में अभी कॉल वॉल तो उठा नहीं रहे। बाकी मौसम तो बढ़िया है, ठंड उंड नहीं लग रहा है इधर। ये है सूरत, पहले मैं उनका इंतज़ार करता हूँ उनके कॉल का, फिर देखता हूँ। फाइनली पहुँच गए हैं। नानी बोली थी हमको बुखार लगा है, ठीक है उसको वीडियो करके भेज रहे हैं, बता देंगे कि देख लो हमारी नातिन के साथ हम पहुँच चुके हैं, है ठीक है हाँ। क्या बोलेंगे ठीक है, चलो चलते हैं घर पे अब ठीक है। सो गाइस अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ये सफ़र गोरखपुर से सूरत तक का था, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और शेयर कर दें ताकि मैं ऐसे ही घूमने का वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।